ये लें आपकी अदरक वाली चाय, पी के देखें, अगर अच्छी नहीं लगी तो दोबारा बना दूंगी। अगर बुरी भी बनी होगी ना तब भी पी लूंगा। तुम जानती हो कि मुझे फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी अबू मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, देर हो रही है मुझे। नाश्ता तो करती जाओ। नहीं वैसे ही बहुत देर हो रही है, अगर नाश्ता करने बैठी तो पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है ना, बाय। क्या कह सकते हैं, इसे कहो कि अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़े और घर के कामों में तुम्हारा हाथ बटाए। भाई इसकी शादी का वक्त करीब आ गया है, इसे घरदारी आनी चाहिए, कुछ तो काम आना चाहिए घर का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं भाभी? अरे वाह, पराठे की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। नाश्ता लगवा दूं? नहीं अभी रहने दे, थोड़ी देर में, अभी सिर्फ चाय पिला दें। अच्छा भाईजान, वो मजीद पेंटर है ना, उसका फ़ोन आया था, पैसे मांग रहा था। आप एक काम करें, एटीएम कार्ड मुझे दे दें, मैं निकाल के दे दूँगा उसको। एटीएम कार्ड क्यों? मैं तुम्हें चेक दे देता हूँ, तुम कैश करवा लेना। एटीएम कार्ड दे दें। आप लोग बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग चाचू। मॉर्निंग सलमान, क्या है? तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुबह जल्दी उठा करो, रोज कॉलेज के लिए लेट हो जाते हो। अबू वो आज कॉलेज बंद है, मेरा मतलब है कि आज क्लास नहीं है, छुट्टी है कॉलेज की। इसकी पढ़ाई तो खैर आप क्या बात करते हैं भाई साहब, पिछले 4 साल से इंटर में फंसा हुआ है और सभा को देखें, हर क्लास में फर्स्ट आती है। कर ली पढ़ाई इसने? अरे मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ दुकान पर चलो। अच्छे खासे दुकान पर जा रहे थे तुम मेरे साथ, फिर बीच में से गायब हो गए। चाचू एक तो छुट्टी होती है, वो भी दुकान पर चला जाऊँ। नाश्ता करो और मेरे साथ चलो। अच्छा छोड़ो तुम इन बातों को, तुम ऐसा करो कि अंदर से मेरी चेक बुक ला दो। मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई। अरे दिल को धड़कने दिया करो, क्योंकि अगर ये रुक गया हमारी शादी के सारे मंसूबे धरे के धरे ही रह जाएंगे। बस बस अब ज्यादा बातें मत बना, और बहुत लेट हो रही हूँ मैं, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो। आओ बैठो। हाँ चलो। सलमान तुम ऐसा करो कि अपने चाचा के साथ बैंक चले जाओ, बल्कि तुम्हें भी बैंक की सारी मालूमात होनी चाहिए। आखिर कब तक मैं ये सब कुछ संभालता रहूंगा? सुने पानी की मोटर खराब हो गई है, आप वो आसिफ फिलंबर को फोन कर दीजिएगा, मैं कब से ऑन कर रही हूँ, ऑन ही नहीं हो रही। अरे कितनी बार तुम्हें कहा है कि पानी की मोटर चलाकर मत छोड़ दिया करो। क्या हो गया है, जब तक टैंक फुल नहीं होगा जब तक मोटर तो चलेगी ना। आपकी इन्हीं बातों की वजह से कितनी चीजों का इस्तेमाल बंद कर दिया है, अब के पानी पीना भी बंद कर दें। अच्छा बस भी कर दो, मैं दुकान जाकर आसिफ फिलंबर को फोन कर दूंगा, फिर बहाती रहना पानी, जाया करती रहना पानी, तुम लोगों को नुकसान करने के अलावा कुछ आता भी नहीं है। हेलो, नहीं नहीं आज नहीं, आज एक जरूरी काम है। कहा ना कि आज नहीं, आज तुम्हें मैं शाम को एक गुड न्यूज दूंगा। बाय। Thank you.
चाचू 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 जल्दी आए चाचू। क्या हो गया? क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया? भाभी को क्या हुआ? चाचू चाचू बोलो अपनी को मार के चले। अरे कौन लोग थे वो? कौन थे वो? वो मेरे खुद आया भाभी 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 मम्मी मैं आके को लेना भाभी। चाचू ये क्या हो गया? सर बकतूला मेरी भाभी थी श्री भाभी। और सर जो जख्मी भतीजा आपके भतीजे सलमान के मुताबिक दो मुलजमान कोलंबर के बेस में घर में दाखिल हुए। आप ये बताएं कि जब घर में ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त आप कहाँ थे? सर मैं अपने रूम में हेडफोन लगा के गाने सुन रहा था। थोड़ी देर के लिए मैंने हेडफोन हटाया, मैंने सलमान के चीखने की आवाज़ सुनी चाचू चाचू। मैं जब आया तो सलमान जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और भाभी भी जख्मी, दो बंदे भागते हुए देखे। तो ये है बात। भाई पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? भाई भाभी क्या बकवास कर रहे हो? मैं सुबह तो ठीक ठाक छोड़ कर गया था उसे। भाई मैं सही कह रहा हूँ। सलमान कहाँ है? कहाँ है सलमान? सलमान को मुसलमान ने जख्मी कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? बीस फरवरी को सुबह तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान दो अफराद नदीम शेख के घर में दाखिल हुए। उसके बाद उन्होंने पहले नदीम शेख की बीवी को कत्ल किया और उसके बेटे को जख्मी किया। मकतूला के बेटे का कहना है कि वो दोनों कोलंबर के बेस में। इंस्पेक्टर साहब, दरवाज़ा अम्मी ने खोला था, वो दोनों कह रहे थे कि हम आसिफ कोलंबर के साथ काम करते हैं और फिर वो मोटर ठीक करने आए। ये बताओ कि वो दोनों क्या तुम्हारे जानने वाले थे? इंस्पेक्टर साहब, आज से पहले मेरा उनसे कभी सामना नहीं हुआ था। उन दोनों ने कहा कि वो आसिफ प्लम्बर के आदमी हैं। आसिफ का नाम सुन के अम्मी ने उनको अंदर आने दिया, फिर वो मोटर ठीक करने लग गए और अम्मी ने मुझसे कहा कि बाहर से जाके सब्जी लेकर आओ। इंस्पेक्टर साहब, जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो लोग भाग रहे थे, मेरी माँ को मारकर भाग गए। इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। मैंने बहुत कोशिश की अपनी माँ को बचाने। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन तुम्हारे अबू के बयान के मुताबिक घर से चूड़ियों का सेट और 70,000 रुपये गायब। तुम ये बताओ कि तुमने जब उनको भागते हुए देखा तो उनके हाथ में कोई थैला या कोई जेवरात वगैरह थे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, क्या तुम उन दोनों मुलजमान के स्केचेस बनवा सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। तो इन दोनों ने प्लम्बर आसिफ का हवाला दिया था, तो क्या मकतूला का खानदान प्लम्बर आसिफ को जानता है? जी हाँ, आसिफ प्लम्बर इनके यहाँ अक्सर काम करता रहता है और हमें तो शक है कि इस जुर्म का मास्टरमाइंड भी आसिफ है। हमने आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है और मजबूत तफ्तीश भी जारी है। तुमने उस औरत को और क्या दुश्मनी थी तुम्हारी नदीम शेख के साथ? एक गरीब आदमी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है साहब? और नदीम भाई के तो मुझ पर वैसे ही इतने एहसानात हैं।
क्या मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता है। तेरे जैसे बहुत सारे एहसान फरामोश हमने देखे हैं और उन दोनों का यही कहना था कि वो पानी की मोटर ठीक करने आए हैं। देख तू उन दोनों को अच्छी तरह जानता है, तेरे लिए यही बेहतर है कि बता दो वो कहाँ है। सब ना तो मैंने किसी को नदीम भाई के घर भेजा और ना ही मुझे पता था कि उनकी मोटर खराब है। अरे शुरू हो जा। सर मेरा यकीन करें, मुझे किसी ने फोन भी नहीं किया साहब। मेरा यकीन करें, 20 फरवरी को जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है साहब। तो मकतूला के शोहर नदीम का इस हवाले से क्या कहना है, उसने क्या आसिफ लंबर को फोन किया है? नदीम ने भी आसिफ की बयान की तस्दीक की है और उसका कहना है कि वो अपनी मसरूफियात की वजह से आसिफ को फोन नहीं कर सका। पॉसिबल है कि घर के किसी और इंसान ने आसिफ लंबर को फोन किया हो, सकता है मकतूला ने खुद उसे फोन किया। हमने आसिफ का सेल फोन रिकॉर्ड चेक किया है, उस दिन नदीम शेख और उसकी फैमिली के किसी भी मेंबर ने आसिफ को फोन नहीं किया। तो बहुत अजीब सी बात है, ये तो किसी घर के फर्द को ही पता था ना कि इन लोगों के घर की पानी की मोटर खराब है। इस बात से तो यही लगता है कि कोई घर का फर्द ही मुलव्वस है जो इस किस्म की बात बाहर बता सकता है किसी को। उस रोज घर में कौन कौन मौजूद था? उस रोज शीरी का देवर वसीम घर पर मौजूद था और वो उसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर रिहायश पजीर है और उसके शोर नदीम के साथ कारोबार में आ चुका है। जब मुलजमान ने मकतूला पर हमला किया होगा तो वो चीखी चिल्लाई होगी, और अगर ये उसका देवर वसीम उसी बिल्डिंग में मौजूद था तो कैसे पॉसिबल है कि उसको आवाज़ नहीं गई? मैडम वसीम का कहना है कि वो उस टाइम हैंड फ्री यूज़ कर रहा था तो इसलिए उसको पूरी वारदात का बिल्कुल ही नहीं हुआ, लेकिन मुझे उसका बयान मशकूक लगता है। उसको मशकूक तो समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी अपनी भाभी को क्यों कत्ल करेगा? क्या मौरिक हो सकता है उसके पास? अगर प्रॉपर्टी की लालच भी थी तो अपने भाई को कत्ल कर सकता था। भाभी को कत्ल करने से प्रॉपर्टी तो उसको नहीं मिलती। मैडम प्रॉपर्टी के अलावा और क्या हो सकता है? उसका प्लान यही था कि वो अपनी भाभी को कत्ल करेगा, उसके कत्ल के इल्ज़ाम में नदीम जेल जाएगा। हाँ, लेकिन अपने भाई को फंसाने के लिए कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस तो होता ना उसके पास? अभी तो हम सिर्फ एक मफरूजे पर ही काम कर रहे हैं। बहरहाल इन मुलजमान का जो खाका तैयार करना था उसकी क्या अपडेट है? उस पर काम जारी है और इंशाल्लाह आज रात तक ये मुकम्मल होगा। सर ये मुलजमान के स्केचेस तैयार हो गए। क्या यही है वो? तो इंस्पेक्टर साहब यही है वो दोनों। इंस्पेक्टर साहब इन्होंने मेरी माँ के कत्ल किए। तुम इन दोनों में से किसी एक को जानते हो? इंस्पेक्टर साहब अगर इनको जानता कि ये इस नियत से मेरे घर में आए हैं तो मैंने भाई कत्ल कर देता। ठीक है तुम जा सकते हो। तारिक इन दोनों स्केचेस को फेयर करके अपने डेटा से मैच करो और जितने भी थाने हैं उनमें इत्तला कर दो और अपने मुखबिरों से पूछो, शायद उनमें से कोई जानता हो। जी बेहतर है, मैं भी करता हूँ। ठीक। बता। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। देखें बेवकूफ समझ रखे हमें तूने, अगर गलत फहमी हुई है तो फिर सलमान ने तेरा स्केच क्यों बनवाया? क्योंकि वो दुश्मन है मेरा, बर्बाद कर देना चाहता है मुझे वो। तो इस दुश्मनी की वजह से तूने उसकी माँ को कत्ल कर दिया? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखें दरअसल मैं सलमान की बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसने एक रोज मुझे और सवा को एक साथ रेस्टोरेंट में देख लिया था। उसी रोज वो मुझ पर चीखने लगा, चिल्लाने लगा। और देखिए इंस्पेक्टर साहब मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, लेकिन सलमान मेरी बात समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से तुम्हें जानता है? जी सर बिल्कुल, लेकिन सर स्केच का मकसद सिर्फ मुझे फंसाना है सर, और कोई बात नहीं है सर। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करें। अच्छा मान लेते हैं कि तू सबा से मोहब्बत करता था, उसने तुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया, तो फिर मेरी एक बात का सोच समझ कर जवाब देना।
वारदात वाले दिन तू 11 से 12 बजे के दरमियान कहां पे था? 11 से 12 में हाँ उसी सुपरमार्केट में था जहां मैं मुलाजमत करता हूँ। वाह, अपने आप को तू बहुत समझदार समझ रहा है हाँ, और कानून को बेवकूफ बना रहा है, पुलिस को इसने पागल बनाए हुए है। हम तेरे मैनेजर से मिलकर आए हैं और तेरी सिक्योरिटी फुटेज भी हमने देख ली है। उस दिन तू 12 बजे के बाद मार्ट पहुंचा, उससे पहले तूने वारदात की, अपने कपड़े चेंज किए और फिर अपने मार्ट गया। देख जो भी सच है ना वो तोते की तरह बोलना शुरू करते हैं, तेरे लिए यही बेहतर है। चल बोल काबिश। क्यों फंसाया तुमने तला को? तुम जानते भी थे कि वो बेकसूर है। वो फ्रॉडिया, मैं तो चाहता हूँ वो जेल में सड़ के मर जाए। याद नहीं तुम्हें रेस्टोरेंट में कितनी बेइज्जती की थी मेरी? बदतमीजी उससे नहीं, तुमने की थी उससे। और तुमने तो अपनी जबान बंद रखने के लिए अपनी बहन से ही रिश्वत ली थी, भूल गए क्या? क्या चाहती हो तुम, अब्बू के आगे अपनी जबान खोल दूं? पर बात सुनो, भूल जाओ उसको, समझी तुम? अब वो बचने वाला नहीं है, फांसी तो उसको कंफर्म होकर ही रहेगी। बकवास बंद रखो तुम अपनी। तुम क्या समझते हो तुम जो बोलोगे वो सब हो जाएगा? ऐसा नहीं होने दूंगी मैं आज के दौर की लड़की हूँ, धक्के उसी माहौल में रहने वाली नहीं। आजाद हूँ अपने फैसले खुद करने के लिए, समझे तुम? आजाद आजाद, हमारे यहाँ लड़कियाँ ना आजाद ही मोहताज पैदा होती हैं, समझी तुम? पर बात सुनो, उसको अपने दिमाग से निकाल दो, बेहतर यही है। अगर इतना ही घमंड है ना खुद पर, जाओ जाकर बचाओ उसे। आजाद, वैसे भी आमना कबीर जैसी बड़ी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसका बचना मुश्किल है। अच्छा तुम वहां थे? हाँ जी। हेलो, कौन बात कर रहा है? जी मैडम, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन सिर्फ आप ही हैं जो मेरी इस वक्त मदद कर सकती हैं। आप हौसले से काम लीजिए, रोए मत, बताएं खैरियत है? कौन बात कर रही हैं? जी मेरा नाम सबा है, वो शीरी मर्डर केस आपके पास है, मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पुलिस ने तलहा को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया। तो आपको इस कदर कैसे यकीन है कि तलहा बेकसूर है? क्योंकि आपके भाई को तो पूरा यकीन है कि तलहा ने ही आपकी वालिदा को कत्ल किया है, और बल्कि आपके भाई ने तलहा का स्केच बनवाया है, उसी की बुनियाद पर तो हमने गिरफ्तारी की है उसकी। सलमान भाई तो बहुत नफरत करते हैं तलहा से, और मैं और तलहा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। जिस दिन अम्मा का कत्ल हुआ उस दिन मैं और तलहा एक साथ ही थे। सर मैं उस रोज सभा के साथ था, मैं उसे कॉलेज छोड़ने गया था, लेकिन पता चला कि कोरोना टेस्ट की वजह से सारी क्लासेस मुलतवी कर दी गई हैं, तो हम करीबी पार्क में जाके बैठ गए। टाइम तो मुझे याद नहीं, लेकिन तकरीबन 11:30-12 तक हम साथ ही थे। आप चाहें तो सभा से पूछ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि सभा तुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है, और दूसरी बात यह कि हो सकता है वो भी इस वारदात में शामिल है। हम दोनों मिलके आंटी को क्यों मारेंगे, वही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी सर। खैर ये तो तुम ही बताओगे ना कि तुमने आंटी को क्यों कत्ल किया। हाँ शाबाश, जो है सच वो बोल, शाबाश। सर मैंने किसी का कत्ल नहीं किया सर, मैं तो वहां था भी नहीं, मेरा यकीन करें। हाँ याद आया। हाँ बोल, क्या याद आया? आ गया ना याद, चल अब बोल शाबाश। उस दिन पार्क के बाहर मेरी बाइक पंचर हो गई थी, और मैंने वही पंचर वाले से ही अपनी बाइक का टायर बनवाया था। आप चाहें तो उस पंचर वाले से मालूमात ले सकते हैं, वो तस्दीक कर देगा कि मैं उस दिन सभा के साथ पार्क में ही था। ठीक है, पंचर वाले से भी हम पूछ लेंगे, लेकिन खैर
सभा के बयान और अब ये जो पंक्चर वाले ने बयान दिया है, इससे तो इस बात की तस्दीक होती है कि तलहा का इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं। जी हाँ, हमने साहब आप ठीक कह रही हैं, हमने तलहा का सेलफोन चेक किया है। सभा और तलहा काफ़ी अर्से से आपस में रबते में थे और सभा जल्द ही तलहा को अपनी वारदात से मिलवाना चाहती, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कत्ल किया किसने। क्योंकि हम जू जू इस केस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये केस पेचीदा से पेचीदा होता जा रहा है। मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पज़ल में कई टुकड़े मिसिंग हैं। आप लोग ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमें अभी तक यही नहीं मालूम कि इस कत्ल का मुहरक क्या है। क्या मकतूला से कोई ज़ाती दुश्मनी थी किसी को, या पैसों का लालच था? और फिर ये जो दोनों मुलजमान हैं, प्लम्बर बनके ये घर में दाखिल हुए हैं, ये दोनों कौन हैं और इन्हें कैसे मालूम था कि मकतूला के घर की पानी की मोटर ख़राब है? मैडम, मुझे ये इनके अहले खाना का रवैया भी थोड़ा खटक रहा है। मतलब सलमान को देख लें आप, कि ये अपनी वालदा के कातिल को बेनकाब करने के बजाय तलहा के पीछे पड़ा है। और मुझे तो नदीम शेख का रवैया भी कुछ मशकूक लग रहा है। लगता है कि उसे अपनी बीवी की मौत पर कोई सदमा ही नहीं हुआ। नदीम के छोटे भाई वसीम पर भी अभी तक शक है। वैसे कैसे मुमकिन है कि वो घर में मौजूद था, उसकी मौजूदगी के दौरान ये वारदात हुई और उसे कोई चीखने चलाने की आवाज़ ही ना आई हो? सिर्फ अभी तक मुहरक क्लियर नहीं हो रहा तो हम किसी एक सस्पेक्ट पर फोकस नहीं कर पा रहे। बहरहाल, आप इन तीनों लोगों को शक की नज़र से देखें, इनके सेलफोन रिकॉर्ड्स निकलवाएं, इनकी सेलफोन लोकेशंस निकलवाइए और इनकी एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करें। अमना साहिबा, चंद रोज से हमने आपकी हिदायत की रोशनी में जब तफ्तीश की तो हम पर कई इंकशाफ हुए। सबसे पहले तो मैं मकतूला के देवर वसीम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि उसके पास इस बात का कोई मोहरक नहीं था। और दूसरी बात ये कि ख़ानदानी कारोबार में उसके शेयर बहुत कम हैं और माली तौर पर वो अपने भाई नदीम शेख पर ही इन्हिसार करता है। सबसे अहम बात यह है कि वो कई लाख का कर्ज़दार है और उसने माजी में जब भी कारोबार किया उसका पैसा डूब गया। मैडम, वसीम से ज़्यादा नदीम पे शक किया जा सकता है, क्योंकि नदीम का गुज़श्ता एक साल से एक औरत से अफेयर चल रहा था। वो औरत तलाकी याफ्ता है और मैडम, मुझे लगता है कि नदीम ने पहली बीवी को रास्ते से हटाने के लिए ये वारदात की। मैं भी इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि वो तफ्तीश में दिलचस्पी नहीं ले रहा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह मुलजमान प्लम्बर के बेस में आए, इससे तो शकूक को और इजाफा मिल रहा है, क्योंकि मोटर की खराबी के बारे में सिर्फ घर वालों को ही पता था। सभा, सभा। जी जी अब्बू। कौन है ये तला? तुमसे कुछ पूछूं, कौन है ये तला? अब्बू, मैं किसी तला को नहीं जानती। कौन है ये तला, मुझे नहीं पता। तो करता है कि तुम्हारे हाथ पर एक झापड़ रसीद करूँ। झूठ बोल रही हो मुझसे? अरे नहीं अब्बू, मैं नहीं जानती किसी तला को। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। भाई साहब, क्या कर रहे हैं? तुम्हारे खानदान में लड़के का हाथ नहीं उठाया जाता। इसीलिए तो हाथ नहीं उठाया इसके ऊपर। इसने तो पूरे खानदान में मेरी नाक कटवा दी। कितनी बार कहा था श्री से कि मत पढ़ाओ इसे, मत पढ़ाओ, मगर उसने तो मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। भाई साहब, खुद को संभालें। अरे अभी अभी इस घर में कत्ल हुआ है। अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो पुलिस हम पे शक करेगी। संभालें अपने आप को। तुम्हारा फोन लाओ मुझे। ये फोन ही फसाद की जड़ है। ना अब तुम किसी से रब्ता करोगी और ना इस कमरे से बाहर निकलोगी। यहीं इस कमरे में रहोगी तुम। सुना तुमने? अबू, मेरी बात तो सुने। अबू, अबू, अबू दरवाजा खोले ना। अबू मेरी बात तो सुने।
देखिए, अगर इस तफ्तीश में हम आगे बढ़ सकते हैं और नदीम पर भरपूर तरीके से शक कर सकते हैं, तो एविडेंस तो आप लोगों ने जमा नहीं किया अभी तक। नदीम की ना सेलफोन लोकेशन, ना सेलफोन रिकॉर्ड, कुछ मुझे नहीं मिला। बहरहाल, सलमान के हवाले से क्या अपडेट है, उसके बारे में क्या पता चला? बाज़ाहिर तो वो किसी जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है, लेकिन एक बात है तो वो अक्सर गेस्ट हाउस में ही रहता है, और दूसरी बात ये कि वो रेंट ए कार की गाड़ियाँ ही इस्तेमाल करता है। गेस्ट हाउस में रहता है और रेंट ए कार इस्तेमाल करता है, लेकिन इनके घर के माली हालात कोई बहुत मुस्तहकम तो नहीं है? कि जो वालिद हैं वो पुरानी सी गाड़ी चलाते हैं, और जो बहन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कॉलेज आती जाती है, और सलमान खुद कोई जॉब नहीं करता, तो फिर ये कहाँ से अफोर्ड करता है रेंट अ कार और गेस्ट हाउस के खर्चे? कहीं किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो नहीं मुलव्वस, ये किसी क्राइम के ज़रिए ये कोई एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा हो? अगर इस तरह कर रहा है तो फिर इसकी सोच भी मुजरमाना हो सकती है। मैडम, नदीम बाज़ाहिर तो मिडिल क्लास बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन माली तौर पर स्टेबल है। हाँ, कंजूस है, लेकिन बेटे के मामले में पैसे देने में फराग दिल हो नहीं। इस किस्म की फजूल खर्ची के लिए कोई वालदैन अपने बच्चों को खर्चा नहीं देते। रेंट अ कार, जब घर में गाड़ी है चाहे पुरानी गाड़ी है, क्यों रेंट अ कार इस्तेमाल हो रही है? ये तो फजूल खर्ची है ना। और गेस्ट हाउस में किस लिए ठहर रहा है? उसी शहर में अपना घर है, गेस्ट हाउस में, ये बहुत मशकूक किस्म की बातें हैं सारी। और सेकेंडली, ये आप जिस रेंट अ कार की बात कर रहे हैं, मैंने ये भी डिटेल्स देखी, पिछले कई दिनों से ये एक ही रेंट अ कार की गाड़ी चला रहा है, गाड़ी भी तब्दील नहीं हुई। ये मालूम करें कि किसकी गाड़ी है, किन रेट्स पर इसने रेंट अ कार से गाड़ी ली है, क्या सिर्फ गाड़ी ली है या ड्राइवर के साथ गाड़ी ली है, और कहाँ से अफोर्ड कर रहा है ये सारे खर्चे? अगर शहरयार ठीक कह रहा है कि नदीम ही सलमान को पैसे देता था, तो फिर आप नदीम से तस्दीक करें इन बातों की, वरना फिर आप सलमान के गिर्द शक का दायरा तंग करें। सर, ये है वो ड्राइवर, इसका नाम आमिर है। अच्छा, तो तू है आमिर। शक्ल से तो बहुत शरीफ लगता है। ये बता कि तेरे पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? वाइज बॉन्ड निकले तेरा की? सर, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? यकीनन आपको कोई गलत फहमी होगी। हमारे साथ ये ड्रामेबाजियाँ बंद। ये जो फाइल है ना, इसमें तेरा अधू दरबा है सारा हमारे पास। पहले तू प्राइवेट टैक्सी चलाता था, और फिर इतना अचानक तेरे पास पैसा कहाँ से आ गया कि तूने जीरो मीटर कार और मोटरसाइकिल ले ली? बोल, कहाँ से आया तेरे पास ये पैसा? सर, वो गाड़ियाँ मेरे नाम से खरीदी गई हैं। अरे, कौन हो गया तेरे ऊपर इतना मेहरबान जिसने तुझे ये गाड़ियाँ खरीद के दे दी? हाँ, भाई क्या हो गया? अरे ये तो है, ये आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में जिस दिन शीरी कत्ल हुई थी ना, तो उस दिन भी पुलिस मोबाइल गली में खड़ी हुई थी, बस वही कल यादें कुछ ताजा हो गई। यादें जानता हूँ मैं, कितनी तल्ख याद है। ड्राइवर के बयान के बाद तो हमारे सारे अंदाजों की तस्दीक हो गई। अब तो साफ जाहिर है कि कत्ल की ये वारदात बाकायदा प्लानिंग करके की गई। हमने ड्राइवर की निशानदेही पर हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पुनंबर के बेस में उस घर में दाखिल हुए थे, और अभी उनके बयानात भी कलम बंद किए जा रहे हैं। अब सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है मैडम, आखिर इस कत्ल का मौरिक क्या? तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो वो मास्टरमाइंड ही दे सकते। मेरे ख्याल में अब मजीद वक्त जाया किए बगैर उसको हिरासत में लेना चाहिए। Thank you.
हम इस मंसूबे के मास्टरमाइंड तक पहुंच चुके हैं और आज हमारे यहाँ आने का मकसद उसे गिरफ्तार करना है। कौन है मेरी माँ का कातिल? आपको पता चल गया है ना? वही जिस पे आपने शक जाहिर किया था। इस कत्ल का मंसूबा साज और कोई नहीं बल्कि आपका अपना भाई सलमान है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अब्बू ये क्या कह रहे हैं? सर भला मैं अपनी माँ को क्यों कत्ल करूंगा? इंस्पेक्टर साहब ये तो खुद उस हमले में जख्मी हुआ है, आप तो जानते हैं अच्छी तरह। जी नदीम साहब हमें सब पता है, ये हमला भी मंसूबे का हिस्सा था। और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि हमने ड्राइवर आमिर को गिरफ्तार कर लिया है और उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। अच्छा ये सलमान ने तुझे गाड़ियां क्यों खरीद के दी? सर सलमान एक बिगड़ा हुआ लड़का है और नशे का भी आदी है। उसने ये सब कुछ करने के लिए और तो और सर वो गेस्ट हाउस भी उसका अड्डा है। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर हफ्ते को उस अड्डे पे पता नहीं क्या क्या करते हैं सर, मैं बता नहीं सकता आपको। अच्छा तो सलमान ने अपना अड्डा खुफिया रखने के लिए तेरा नाम इस्तेमाल किया? जी साहब, सलमान नहीं चाहता था कि ये सब कारनामे उसके बाप को मालूम हो जाए, इसलिए कार और मोटरसाइकिल मेरे नाम से खरीदी। सर मैं चंद रुपयों की खातिर लालच में आ गया और उनकी बात मान ली। और कार वो सलमान खुद चलाता है और मोटरसाइकिल वो उसके दोनों दोस्त। अच्छा ये बता के वो हमें कहाँ मिलेंगे? तू औलाद नहीं जल्लाद है, जल्लाद। अरे अपनी माँ को कत्ल कर दिया तुमने, शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। दिल तो करता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ही कत्ल कर दूं तुम्हें मैं। काश आप मुझे कत्ल कर देते तो ये वक्त ना आता। आपकी कंजूसी ने हमारा जीना हराम कर दिया था। अबू इतना पैसा होने के बावजूद भी आपने हमें मुफलिसों वाली जिंदगी दी। अपने पाप पूरे करने के लिए मैं दुकान से पैसे चुराने लगा, मी के जेवरात भी मैंने ही चुराए, आपका एटीएम भी इस्तेमाल किया करता। फिर एक दिन अम्मी ने मेरी चोरी पकड़ ली। सलमान कहाँ हो तुम? ये खाना मैं रख रही हूँ तुम्हारे बैग में, अब्बा को दे देना अपना लंच। ये सारे पैसे 1-1.5 लाख के करीब। ड्रग्स? सलमान जी क्या है ये इतने सारे पैसे और ये ड्रग्स? क्या चोरी किए तूने दुकान पे से? नहीं अम्मी। हाँ अम्मी मैंने कसम से मैंने चोरी। नशा करने लगा है तू? नहीं अम्मी ये तो ग्लूकोस है, नशा नहीं करता अम्मी कसम से। आ जाने दे तेरे बाप को, देख मैं तेरी कैसी दुर्गत बनवाती हूँ। अम्मी मुझे माफ कर दे अम्मी प्लीज आप ये बात अब्बू को मत बताइएगा, वो मुझे जान से मार देंगे। आप खुद सोचें उन्होंने कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी की? फकीरों की तरह मैं जिंदगी गुजारता रहा। अगर कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की तो उसका मतलब तू झूठे डालेगा, चोरियां करेगा तू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं वादा करता हूँ मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। इतने सारे पैसे नशा कब से कर रही है? नशा करने लग गया तू? नहीं अम्मी ये दोस्त का है, ये दोस्त का है, कसम से मैं आपकी कसम खा रहा हूँ मैं कभी उन दोस्तों से नहीं मिलूंगा। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा। आप अपना अबू को मत बताइएगा, वो मुझे कत्ल कर देंगे अम्मी प्लीज। छोड़ मुझे। ठीक मगर आज के बाद मेरे नवारा दोस्त से बिल्कुल नहीं मिलेगा, तू इन सब से जान छुड़वा। मैं तेरा बैग और तेरा पर्स दोनों चेक करूंगी, आज के बाद ये सब निकला ना अपने हाथों से तेरा कत्ल कर दूंगी मैं।
मैं ये सब सोच भी नहीं सकती। और ये तू देख मेरी बात सुन ले, ये सब यहाँ से भी लाड़ को वापस कर दे तू, बल्कि नहीं ये सब पैसे मुझे दे, मैं तेरे बाप को दूंगी। दे, ऐसा कोई बुरा काम मत करना, दे मुझे और ये ड्रग्स बताना मुझे दे। अम्मी को बताइएगा मत प्लीज, अम्मी अम्मी मेरी जान ले लेंगे वो, आप तो जानती है कितना गुस्सा करते हो। ये ड्रग्स मैं गटर में बहाती हूँ, आज के बाद मुझे कोई भी शिकायत मिली मैं पुलिस को भी बताऊंगी और तेरे बाप को भी। मैं नशे और ऐशो इशरत का आदी हो गया था, एक खास तरह के लाइफस्टाइल का आदी बन गया था मैं। अम्मी की पाबंदियों ने मेरा जीना तो चार कर दिया था, अब वो मेरी हालत एक मुर्दे जैसी हो गई थी। अब मैं क्या करता, मैंने फैसल और आमिर को फोन करके कहा कि वो मेरी माँ को कत्ल कर दें। हाँ फैसल, घर की मोटर खराब है, जल्दी से आ जाओ, इससे पहले कि वो आसिफ प्लम्बर आ जाए। और बात सुन, प्लम्बर बनकर ही आना, समझा? आसिफ का नाम लेना। हाँ जी। आपका जी आसिफ भाई ने भेजा, आपकी मोटर खराब है ना, वो ठीक करनी है। लेकिन आसिफ भाई खुद क्यों नहीं आए? खैर चलें आप अंदर आ जाओ। काम हो गया? हाँ हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, अब जल्दी से मेरे यहाँ कट लगाओ। वो मैंने उन्हें बाइक का लालच दिया था कि वो अम्मी को कत्ल कर दे। अबू मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें तो अब अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, ले चलो इसे। उगला के दलाइल पेश करदा शवाहिद और मुजमान के इतराफी जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शीरी नदीम का कत्ल उसके बेटे सलमान ने मंसूबाबंदी के तहत अपने साथियों फैसल और ताहिर से करवाया, लिहाजा यह अदालत जेर दफा 302/34 के तहत तीनों मुलजिमान को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है।